ट्यूब के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हया इमरान। आज हम G8 क्रिसेंट आर्केड में द डायबिटीज़ सेंटर की ब्रांच में मौजूद हैं, जहां पर द डायबिटीज़ सेंटर की जानिब से शुगर के पेशेंट्स के लिए एक फ्री कैंप लगाया गया है। इस कैंप के चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल अवैध इरशाद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ द डायबिटीज़ सेंटर के CEO ताहिर अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की थर्ड वेव अब बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, पूरे इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ग्लोबल पेंडेमिक फैलता जा रहा है। इसके अंदर हमें एहतियात करना, इसके अंदर हमें अपने मास्क पहनना, हमें सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना, थर्मल गन्स को यूज़ करना, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी जानों के लिए और अपने मुल्क वालों के लिए की कीमती जानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, इस पर शॉप्स को हम सील कर रहे हैं, फाइन्स इशू कर रहे हैं और एरियाज़ में एक स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन शुरू कर रहे हैं, जहां डिफरेंट सब सेक्टर्स को हम बंद कर रहे हैं, जहां भी हमारे पास ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। मॉस्क के अंदर जो है अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और हम इसकी कंप्लायंस की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ तब सक्सेसफुल हो सकता है जब अवाम हमारे साथ कोऑपरेट करें, अवाम जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और मास्क और जो है कोरोना से बचाव की जितनी भी तदाबीर हैं उनके ऊपर पूरी तरह से अमल करें। तो इस इंटरव्यू के थ्रू मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब इस थर्ड वेव के अंदर हम सब जो है ना मिल के अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह इस सारे डैमेज को, इस सारे जो है इफ़ेक्ट्स को हम मिटिगेट, हम कम और हम जो है ना अपने मुल्क के लिए एक बेहतर जो है एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह इसको कंट्रोल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ दी डायबिटीज़ सेंटर के CEO मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस स्कैम के बारे में हमें क्या कहते हैं, उनके क्या ख्याल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे भट्टी साहब ने आपको बताया कि जो कोविड के दौरान जो है जो जिस तरह के स्टेप जो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है तो TDC भी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ये जो है ना इनके लिए जो है ना ज़्यादा ख़तरा है कोविड के दौरान, क्योंकि इनके जो ऑर्गन्स हैं वो कम्प्रोमाइज़ हुए होते हैं और इनको ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसलिए हम डायबिटीज़ को जो है ना आप इसको कोविड से अलहदा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीट करें और एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर के अंदर हम उनको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दें। हमारी जो डायबिटीज़ सेंटर के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग लैब। जो हमारी लैब है वो मैकन कॉलेज ऑफ पैथोलॉजी से रिकॉग्नाइज्ड है और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है। और लेकिन अकेले ना तो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन या TDC हम ये अकेले इस डिज़ीज़ के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि लोगों को इसके लिए अंदर जो है वो एक ये है कि लोगों को एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है और TDC का एक मिशन है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि इस डिज़ीज़ से कैसे बचा जा सकता है। और फिर ये लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और अपने मेडिसिन जो है वो टाइम पे लें, क्योंकि अकेले दवाइयों से आप जो है ना इस मर्ज पे काबू नहीं पा सकते। और ये एक ऐसी मर्ज है कि जो आपके साथ रहती है लेकिन आपने इसको मैनेज करना होता है, इसलिए कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये आपने अपने लाइफस्टाइल को जो है ना, ये इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल कि आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और फिर आप इसके साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस डिसीज़ को मैनेज नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, आपको ब्लाइंडनेस की तरफ ले कर जा सकती है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपके पाँव कट सकते हैं, आपकी टांग कट सकती है। तो इसलिए इस डिज़ीज़ से जो है मेरा आम पब्लिक के लिए यही पैगाम है कि आप अपना टाइमली ट्रीटमेंट कराएं, अपना चेकअप कराएं और जो है ना अपनी एक्सरसाइज करें और उससे ज़्यादा भी अपनी डाइट का ख्याल रखें। अगर आप इन चीज़ों को का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको मैनेज कर सकेंगे। जी
जी नाजरीन, हम मौजूद थे G8 मरकज डी क्रिसेंट आर्केड में, जहाँ पर TDC की ब्रांच है और यहाँ पर फ्री कैंप डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए लगाया गया है। यहाँ के चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल अवैध इरशाद साहब मौजूद थे, हमने उनसे आपकी गुफ्तगू करवाई, और दी डायबिटीज़ सेंटर के CEO ताहिर अब्बासी साहब मौजूद थे, उनसे हमने आपकी गुफ्तगू करवाई। शुगर के पेशेंट्स के लिए इस तरह के कैंप करना माशरे के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और भी इदारों को इस तरह के कैंप्स करने चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डायट ट्यूब के चैनल के साथ अपनी होस्ट हया इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।